जी बेटा, ये अपना जी रहेगा 19 नवंबर का लेक्चर है, जिसे चापा लेंथ ऑफ पाथ। सब तो पहला डेफिनेशन ग्राफ थ्योरी शुरू की तो है, लेंथ ऑफ पाथ की गल कर देंगे। द नंबर ऑफ एजेस अपीयरिंग इन द सीक्वेंस ऑफ द पाथ इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द पाथ। क्लियर, लेंथ ऑफ द पाथ की होंगे है कि जो वो वाली नंबर ऑफ एजेस किनिया एजेस जा रही अपीयरिंग इन द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस ऑफ द पाथ। ठीक है, एक पाथ मतलब एक वर्टेक्स तो दूजे वर्टेक्स से जाने वास्ते। क्लीयर, अपने को एक जरा पाथ बनता है। ठीक है, नंबर ऑफ एजस वो आ जाता, नंबर ऑफ एजस अपीयरिंग इन द सीक्वेंस ऑफ द पाथ इज कॉल्ड आउन, आप कहने लेंथ ऑफ द पाथ कहने। जिमें कि अपने को दो फिगर्स आपू गिवन है, आप इन्होंने लिखते हैं कि लेंथ ऑफ पाथ इस डबल्यू की अपने को वॉक है, डबल्यू इज़ द वॉक, ये अपने वॉक लिखी हुई हैगी। जिमें कि वी वन तो अपने शुरू किया गया वी वन उस तो बाद ई वन आ गया अपने को, फिर वी टू वर्टेक्स आ गया, फिर ई थ्री वी टू ई टू। ठीक है, उस तो बाद वी थ्री आप इधर चले गए वी थ्री ई फोर। क्लीयर, ई वी फोर तो बाद फिर वी फोर ई अपने को आ गया ई सिक्स आ जाएगा वी फोर सॉरी वी फाइव ई फाइव आ गया, फिर वी फाइव आ गया वी फाइव तो ई सिक्स से पहुँच गए, आप ई सिक्स से पहुँच के वी टू तक आ गए। वेयर डबल्यू इतने की अपने को वाक है ऑफ लेंथ सिक्स, लेंथ की है यदि सिक्स है, सिक्स की मैं पता चलिया नंबर ऑफ एजस काउंट कर लो ई वन ई टू ई थ्री फोर ई फाइव सिक्स, सिक्स एजस आप लेते हैं तो यही की यदि लेंथ अपने को ले होगी सिक्स। द अबव वाक इज नोट ए पाथ, ये कि अपने को पाथ नहीं हैगी कि एज अ वर्ड सी वी थ्री एंड वी टू है जेडे वो ये रिपीट हो रहे हैं, अपीयर ट्वाइस इन द वॉक डबल्यू। क्लीयर, यही अपने को पाथ नहीं बनेगा, यह जी लिखी अपने ये वॉक लिखी हैगी जिदे वर्सेस की है रिपीट हो सकते हैं। जे आप लिखते हैं कि इस तरह कि वी वन तो अपने जिम्मे स्टार्ट किया ई वन आ गया, ई वन तो बाद वी टू आ जाएगा अपने को, फिर ई टू आ जाएगा ई टू तो बाद वी थ्री वी फोर ई फाइव तो वी फाइव तो अपने ख़त्म कर दिता, क्योंकि जो दोबारा लेने तो वी टू वापस रिपीट हो जाएगा। जो कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होएगा दैट इज़ कॉल्ड द पाथ। ठीक है, उन्होंने आप कहे पाथ कहे जिदी लेंथ की है, हूँ ये लेंथ वास्ते नंबर ऑफ एजस तुसी काउंट कर लो। क्लीयर, पाथ जरा होंगे नंबर ऑफ एजस तो आपको पता चलता है नंबर ऑफ एजस अपीयरिंग इन द सीक्वेंस ऑफ द पाथ के जिन्या भी आ रही है तो नंबर ऑफ एजस जिन्हें दैट इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ। क्लीयर बेटा, ये चीज़ थोड़ा पहले दस ही चुकी हूँ, वॉक तो पाथ की डेफिनेशन आप कर चुके हैं कि वॉक की होंगे तो पाथ की होंगे, तो जिन्या नंबर ऑफ एजस होंगे दैट इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ। क्लीयर, उस तो बाद एन एज विच इज़ नॉट ए सैल्फ लूप। ठीक है, एक एज विच इज़ नॉट ए सैल्फ लूप इज़ ए पाथ ऑफ लेंथ वन। क्लीयर, एक अजही एज जी लूप नहीं हैगी उन्होंने लेंथ की होंगी वन होंगी है। जे एक सैल्फ लूप आप ले रहे हैं कैन बी इनकलूडड इन ए वॉक बट नॉट इन ए पाथ, ये चीज़ आप पहले कर चुके कि जी सैल्फ लूप है वो वॉक च तो आ सकती है पर पाथ के आप इनू कंसीडर नहीं करते हैं। द टर्मीनस वर्सिस ऑफ ए पाथ आर ऑफ डिग्री वन, जेडे ये टर्मीनस मीनस एंड पॉइंट्स होंगे है ना वो एक डिग्री के ही होने चाहिए है। क्लीयर, द टर्मीनल वर्सिस ऑफ ए पाथ आर ऑफ डिग्री वन एंड द इंटरनल वर्सिस ऑफ द वॉक, जे वर्सिस वॉक के होंगे है अपने को आर ऑफ डिग्री टू होंगे है। क्लीयर, नैक्सट अपने को डेफिनेशन आ जाती है सर्किट की, आ जाती है सर्किट की होंगे है कि ए सर्किट इज क्लोज वॉक। सर्किट की होंगे अपने को एक क्लोज वॉक होंगे है, सर्किट नाम तो ही क्लीयर हो रहा है सर्कल बनाना एक तरह का। ठीक है, सर्किट इज ए क्लोज वॉक इन विच नो वर्टेक्स एक्सैप्ट द इनिशियल एंड द टर्मीनल वर्टेक्स अपीयर मोर दैन वंस। क्लीयर, सर्किट की होंगे एक क्लोज वॉक होंगे जिदे इंटर इनिशियल ते टर्मीनल वर्टेक्स नू छड़ के होर कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होंदा गा। क्लीयर, सिर्फ
इनिशियल ते जेरा अपना टर्मिनल वर्टेक्स है उही रिपीट होएगा दोबारा उही अपने को ले आएगा क्योंकि सर्किट है ना क्लोज आगे वापस उठे कि खत्म होएगा इस करके वो रिपीट होएगा। अदरवाइज कोई भी दूजा वर्टेक्स है जेरा वो ये रिपीट नहीं होएगा। इन अदर वर्ड्स आप कह रहे सर्किट इज ए क्लोज नॉन इंटरसैक्टिंग वॉक जी कितने भी कट नहीं करती क्योंकि कट करूगी तो वो वर्टेक्स रिपीट होएगा। इस करके ए सर्किट इज ऑलसो कॉल्ड द साइकिल भी कहा जाता है एलीमेंट्री साइकिल भी कहते हैं सर्कुलर पाथ भी कहा जाता है पोलीगोन भी कहा जाता है। क्लीयर आज दे एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं देखो इन्हों के जेडे इनिशियल से अपने को टर्मिनल वर्टेक्स है सिर्फ यही रिपीट हो रहे हैं बिच वाला कोई भी वर्टेक्स है जरा वह रिपीट नहीं होएगा। क्लीयर ये अपने को सर्कट दे एग्जाम्पल्स आ गया। उस तो बाद आ जाती है एग्जाम डेफिनेशन के साइकिल की ए साइकिल विद के एजस ठीक है एक अजिहा साइकिल जिदे विच के एजस है के एजस मीन तुसी एजस काउंट कर लो किनी है उन्हों आप की कहांगे के साइकिल कहांगे मीनस जे फाइव एजस है तो सी फाइव लिख देवे जे वन एज है तो सी वन लिख देवे इस तरह अपने को आ जाता है। ये सैल्फ लूप जरा सैल्फ लूप हों भी सर्कट ही होंगे क्योंकि गोल हों द कनवर्स इज नॉट ट्रू कनवर्स का मतलब की है जरूरी नहीं है कि हरेक लूप की अपने को सर्कट होवे पर एक सैल्फ लूप हमेशा ही सर्कट हों। द डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इन ए सर्कट इज टू द डिग्री ऑफ एवरी हरेक वर्टेक्स की जी डिग्री है वह टू होंगी है क्योंकि टू इस करके होंगे ना देखो क्योंकि हमेशा आपस कनैक्टड होएगी फिर ही सर्कट बनाएगी। क्लीयर तो हमीज वो हमेशा दो एजस जी देखो हरेक वर्टेक्स जरा है हरे दो एजस के नाल कनैक्ट हो रहा है। वन साइकिल इज ए लूप टू साइकिल जरा वन साइकिल होंगे दिस वन इज ए लूप टू साइकिल जरा होंगे इज ए पेयर ऑफ पैरलर लाइन एजस हों थ्री साइकिल ट्रैंगल बना देता अपने को। क्लीयर बेटा इस तरह होंगे ये। उस तो बाद अपने को डेफिनेशन आदि कनैक्टड ग्राफ की कनैक्टड ग्राफ की होंगे ए ग्राफ जी इज सैट टू बी कनैक्टड ग्राफ इफ देयर इज एटलीस्ट वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्सिस इन जी। क्लीयर तो ये कहेंगे है कि किसी भी ग्राफ कनैक्टड ग्राफ कहे जे उन्होंने इफ देयर इज एटलीस्ट वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्सिस इन जी जे जी दे सारे मतलब वर्सिस जिन्हें भी पेयर बनते हैं वर्सिस के उन्होंने विचकार एक पाथ अपने को बन रहा घट्टो घट एक पाथ जरूर बनना चाहिए दैन दैट इज कॉल द कनैक्टड ग्राफ। क्लीयर ए ग्राफ विच इज नॉट कनैक्टड ग्राफ इज कॉल द डिसकनैक्टड ग्राफ आप कह दें हूँ जिम्मे क्या फस्ट एग्जाम्पल देखो डायग्राम तुम दिखती हुई हैगी इस डायग्राम के देखो बेटा वर्सिस दिते वी वन वी टू वी थ्री वी फोर वी फाइव। क्लीयर हूँ तुम किसी भी दो वर्सिस जो लैके चलोंगे तो पता चलेगा जिमें वी वन तो वी फाइव ही लगा लो यह कि आपस कनैक्ट है क्योंकि इन्होंने देखो एक पाथ बन रहा वी वन ई वन वी टू ई सिक्स की लिखे ई एट वी फाइव। क्लीयर पाथ बन रहा हर दो वर्टेक्स कोई भी तुसी चूज कर लो वी वन ते वी फोर चूज किया वी वन ई सैवन वी थ्री ई फोर वी फोर इस तरह हर जो जिहड़ा मर्जी तुसी वर्टेक्स चूज कर लो तो तुहाडे कोल की है वह उहदे विच कोई ना कोई पाथ जरूर बनेगा। क्लीयर उस तो बाद अपने को हैगा डिसकनैक्टड ग्राफ यही जिहड़ियां एग्जाम्पल्स है डायग्राम्स आपां नूं दित्तियां हुई हैगियां यही कि अपने को डिसकनैक्टड ग्राफ है। डिसकनैक्टड ग्राफ किवें बनेगा जदों आपां कोई अजिहा पेयर चूज कर लिए जे घट्टो घट एक भी अपने को अजिहा पेयर आ गया जिहड़ा जिन्हां दे विचकार कोई पाथ नहीं बन रहा हैगा। क्लीयर पाथ दे विच तुहानूं पता है कि वर्सिस जिहड़े ओह रिपीट नहीं होने चाहिए ये इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। कोई भी आपां अजिहा पाथ बना लिया जिहदे कोई भी अजिहे दो वर्टेक्स आपां ने चूज कर लिए जिहड़े आपस च कोई पाथ नहीं बना रहे हैगे दैन दैट इज कॉल द डिसकनैक्टड ग्राफ। उस तो बाद अपने को जिहड़ी हैगी है कॉम्पोनेंट कॉम्पोनेंट जिहड़ा हुंदा है अपने को कि ईच कनैक्टड सब ग्राफ ऑफ ए डिसकनैक्टड ग्राफ आर कोल्ड कॉम्पोनेंट। क्लीयर हूँ यह पूरा का पूरा जो डायग्राम है यह अपने को बन रही है डिसकनैक्टड ग्राफ बन रही है।
क्लियर डिसकनैक्टड देखो आ दोनों है ना, दोनों दे विच तुसी देखना है आपस इहदे विच नहीं देखोगे। देखो आह एक ही डायग्राम आह जी है ना, एक ही डायग्राम दे दो पार्ट है। क्लीयर हुण तुसी इन्हां नूं जे तुसी ध्यान नाल देखो, देखो वी वन वी टू वी थ्री वी फोर वी फाइव, उस तो बाद आपने ये वर्सी लेते वी सिक्स वी सैवन वी एट तो वी नाइन। क्लीयर हुण ये दोनों की आपस के डिसकोनैक्टड ग्राफ है क्योंकि इन्हों के विचा दो वर्टैक्स अजे है जिन्हें कोई पाथ नहीं बन रहा, जिस करके दोनों की अलग अलग हो गए, इस करके इनू आप कहने डिसकोनैक्टड ग्राफ कहने है। पर हरेक डिसकोनैक्टड ग्राफ के कोई ना कोई सब ग्राफ जरूर होंगे है, जिमें कि आह अपने आप एक सब ग्राफ हैगा जिहड़ा कि कोनैक्टड है, क्योंकि ये तुसी किसी भी वर्टेक्स ते जाना है तो तुहाडे कोले कोई ना कोई पाथ जरूर बन जाएगा। सिमिलरली ये भी दिस इज आलसो द सब ग्राफ, तुसी किसी भी वर्टेक्स ते जाने वास्ते तुहानू पाथ ईजीली बन जाएगा। क्लीयर ते ये अलग अलग तो अपने कोले कनैक्टड सब ग्राफ बनते हैं, पर पूरी डायग्राम दे विच जे आपां देखांगे तो यह कि डिसकोनैक्टड ग्राफ है क्योंकि वी फाइव तो वी सिक्स के विचकार कोई पाथ नहीं बनया हुआ है, कोई एज नहीं बनी हुई हैगी। क्लीयर बेटा उस बाद कंसीडर द मल्टीग्राफ विच इज विच ऑफ दैम आर अपने को की है मीजा कुछ ग्राफ्स देते हैं अपने इन्हों से पहला दसने जिमें कि कोनैक्टड ग्राफ्स कि है। कोनैक्टड ग्राफ्स अपने को आ जाते हैं जिमें कि फर्स्ट है जरा एक कोनैक्टड ग्राफ है, थर्ड इज आलसो द कोनैक्टड ग्राफ, फोर्थ इज नॉट कोनैक्ट, सैकेंड एंड फोर्थ आर नॉट कोनैक्टड। क्यों? क्योंकि ये देखो आ लाइन है जी, आ दो वर्सेस इस अलग है, तो आ ट्रैंगल जी है ये अलग है, इन्हों दोनों के आ वर्टेक्स तुम कह सकते हो किसी के नाल भी ज्वाइन नहीं है, इस करके डिसकोनैक्टड ग्राफ हो गए। दिस इज आलसो क्लीयर, यह भी अपने को जिड़िया बिच आ चीज़ बन रही हैगी, यह कि अलग बन रही है, आ चीज़ अलग बन रही है, तो अपने को यह डिसकोनैक्टड ग्राफ है। लूप फ्री, लूप फ्री मतलब जिद कोई भी लूप नहीं है, अपने को सिर्फ एक ही डायग्राम है दिस वन जिदा स्टार्टिंग ते एंडिंग, अपन पता लूप की होंगे जिदा स्टार्टिंग ते एंडिंग पॉइंट सेम हो, सिर्फ यही डायग्राम है जिद लूप अपने को आ रहा है, बाकी किसी भी डायग्राम से लूप नहीं बन रहा। सिंपल ग्राफ्स आपां पता ही है जिदे विच ना तो कोई पैरेलल एज होनी चाहिए ना ही लूप होना चाहिए, तो थर्ड ते फोर्थ नूं छड्ड देवांगे आपां, फर्स्ट ते सैकेंड अपने को लेके सिंपल ग्राफ्स है। अगली एग्जाम्पल पढ़ लियो। नैक्सट अपने को आ गई मैट्रिक रिप्रजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स। मैट्रिक रिप्रजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स जिहड़ियां होंदियां दो तरह की होंगी है, एक तो होंगी है अर्जसेंसी मैट्रिक, सैकेंड इज़ द इंसीडेंस मैट्रिक। ये काफ़ी इंपोर्टेंट है बेटा, इन्हों ध्यान नाल कर लियो, नॉर्मली इन्हों चो सम तुहानू पेपर च आ जाता है। अर्जसेंसी मैट्रिक्स जिहड़ी होंगी हैगी, पहला आप करेंगे अनडायरैक्टड ग्राफ वास्ते। अनडायरैक्टड ग्राफ जो अपने को जी हैगा जिदे एन वर्टैक्स है, फरदर सपोज जी हैज़ नो मल्टीपल एज, तो भी सपोज कर लो कोई भी मल्टीपल एज नहीं हैगी, सिंपल ग्राफ है अपने को, सिंपल अनडायरैक्टड ग्राफ है, तो जी नूं आपां रिप्रजेंट करांगे एन इंटू एन मैट्रिक्स दे विच। एन इंटू एन मीनस स्क्वायर मैट्रिक्स होएगी अपने को, कदों किस तरह रिप्रजेंट कराएंगे, ये अपने को एलीमेंट्स होंगे वन वन, कदों होएगा जो ए आई तो ए जे, यानी कि दोनों वर्टैक्स के विचकार कोई ना कोई एज अपने को बन रही है, तो आप वैल्यू वन लिखांगे। जे दो वर्सिज के विचकार कोई एज नहीं हैगी तो उन्हों आप कहांगे जीरो कहांगे। जिमें कि अपने को डायग्राम दिते आप अर्जसेंसी मैट्रिक्स बनानी है, मैट्रिक्स बनाने वास्ते तुसी करना इस तरह होरिजेंटल ते वर्टिकल लाइन खिंच लेनी है, वर्टैक्स लिख लेने ए बी सी डी, चारों वर्टैक्स होरिजेंटली भी ते वर्टिकली भी लिख लो। उस तो बाद तुसी जस्ट चैक करते जाना है कि ए तो ए दे विचकार कोई एज है, लूप पिया अपने को वन लिख दिता, ए तो बी दे विचकार एज पड़ी पई है तो आप वन लिख दिता, ए तो सी दे विचकार देखो कोई एज नहीं हैगी, जदों दो वर्सिस दे विचकार एज होएगी तो आप वैल्यू वन लिखनी है, जे नहीं हैगी तो आप वैल्यू जीरो लिखांगे। क्लीयर ए तो सी दे विचकार कोई एज नहीं तो आप वैल्यू जीरो लिख दिती, ए तो डी दे विचकार एज हैगी है तो आप वन लिख दिता गा। सिमिलरली अगे बी नू हुण देखोगे चेक करोगे बी दी सी नाल है वन, बी दी ए नाल है वन, बी दी डी नाल भी है तो वन, सिर्फ बी दी बी नाल नहीं हैगी, कोई अपने को लूप नहीं बनया तो वैल्यू जीरो आ जाएगी। क्लीयर बस इस तरह लिख लेना, उस बाद तुसी कल्ले आह अंडरले कंपोनेंट्स लिख लो, तुहाडे कोल अर्जसेंसी मैट्रिक्स आ गए। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है,
अनडायरेक्टर ग्राफ अर्जा सेंसी मैट्रिक्स ऑफ अनडायरेक्टर ग्राफ जी होंगी है वह हमेशा की होंगी है सिमेट्रिक होंगी है। क्लीयर। उस तो बाद आ जाती है अर्जा सेंसी मैट्रिक्स ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ। यह तो अनडायरेक्टेड ग्राफ वास्ते से जो डायरेक्टेड ग्राफ है तो भी अपने को रिजल्ट सेम ही होएगा जे तो दोनों के विचकार एज हैगी है इफ देयर इज एज फ्रॉम ए आई टू ए जी। ठीक है, इस चीज़ का क्योंकि डायरेक्टेड है ना एरोज लगे होंगे जे ए आई तो ए जे तक अपने को एज है तो वैल्यू वन अदरवाइज वैल्यू जीरो। जिम्मे कि आप डायग्राम दी हैगी मैथड उ ही रहेगा होरीजेंटल तो वर्टिकली तुसी लाइनस ड्रा कीतिया वर्टेक्स लिख ले हुण तुसी चैक करो देखो ए नू ए नाल कीता नहीं हैगा अपने कोले लूप तो जीरो। ए तो बी तक जा रही है एज तो वैल्यू वन ए तो सी तक कोई एज नहीं जा रही गी जीरो ए तो डी तक हुण देखो बेटा इत्थे ध्यान नाल देखना है वैल्यू ए तो डी तक जानी चाहिए सी ए तो डी तो ए आ रही है तो वैल्यू की जीरो आएगी जे ए टू डी जाएगी फिर अपने को वैल्यू वन होगी। क्लीयर। हुण जिवें बी तो ए देखो इत्थे ए तो बी ते जा रही सी वैल्यू तो आप वन लिख दिता पर जे बी तो ए नहीं आ रही ये ठीक है क्योंकि एरो इधरली साइड पर है तो वैल्यू की आ जाएगी जीरो आ जाएगी। क्लीयर। बी तो सी जा रही है वैल्यू अपने को वन आ गएगी बी तो बी अपने कोई है अपने को एज नहीं हैगी बी तो डी हूँ देखो आह डी डी तो आ रही है बी करनी तो उदो यदी वैल्यू वन होएगी बी तो डी कोई लाइन नहीं जा रही तो यदि वैल्यू जीरो आ जाएगी। क्लीयर बेटा इस तरह से चेक कर लेना है तो वैल्यूज लिख लेने एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर डायरेक्टेड ग्राफ हो जाएगी। उस तो बाद अपने को आ जाती है अर्जासेंसी मैट्रिक्स ऑफ मल्टीग्राफ। मल्टीग्राफ मीनस अनडायरेक्टेड ग्राफ जिदे अपने को पैरलर एजस भी हैगी है। पहला अपने पहला जी की सी अर्जासेंसी मैट्रिक अपने को पैरलर लाइनज नहीं सगिया तो ये जे अपने को पैरलर लाइनज है बाकी सारा कुछ सेम रहेगा अपने को जो अपने को पैरलर लाइनज हैगी है तो आपने की करनी है काउंटिंग लिखनी है। काउंटिंग किन्नी लिखनी है कि पैरलर लाइनज जा रही है ए आई टू ए जे। हूँ जिमें क्या डायग्राम दी है अदरवाइज वैल्यू जीरो आएगी थोड़ा पता ही है। हूँ जिमें ए तो बी है आप देखो लिखन का मैथड सेम रहेगा ए बी सी डी लिख लिया इधर भी लिख लिया उम्मीद पांच वर्टेक्स अपने को हूँ तुम ए तो ए देखो कि लाइनज वन लूप जा रहा वन लिख दिता ए तो बी तक कि लाइनज जा रही हैं टू तो आपने टू लिख दिता ए तो सी तक कोई लाइन नहीं जा रही वैल्यू जीरो ए तो डी तक कोई नहीं जा रही जीरो ए तो ई तक अपने को एक ही लाइन जा रही है तो वैल्यू वन। इस तरह जो पैरलर एजस अपने को होनगियां तो जिन्या एजस दूजे वर्टेक्स तक जा रही हैं आपने की करनी है उन्निया लाइनस जी है इतने लिख देनी है टू जा रही हैं टू जिमें सी तो ई तक अपने को देखो तीन लाइनस जा रही हैं तो इन्होंने सी तो ई तीन लिख दिया ई तो सी भी अपने को तीन आ जाए। क्लीयर बेटा। इस तरह अपने को अर्जासेंसी मैट्रिक्स फोर मल्टीग्राफ बन जाते जाए। उस तो बाद आ जाती है अपने को इस तरह तुसी मतलब डायरेक्टेड ग्राफ वास्ते भी लिख सकते हो। डायरेक्टेड ग्राफ से भी सेम लिखा जाएगा पर उदे विच सिर्फ एरोज दिते होंगे तो तुसी वो देख के लगाने। इंसीडेंस मैट्रिक्स की होंगी हैगी काफ़ी इंपोर्टेंट है। इंसीडेंस मैट्रिक्स हैगी है कि जी अपने को जो ग्राफ है एम वर्टेक्स है एन एज हूँ तक आप जिन्हिया भी उपर की मैट्रिक्स वो सारिया स्क्यर मैट्रिक्स है ये अपने को रैक्टेंगुलर मैट्रिक्स है बिकॉज इतने की है एम तो एन दो डिफरेंट अपने को वैल्यूज होनगियाँ। एम कि वास्ते डिनोट करा आप वर्टेक्स वास्ते डिनोट करा एन आप एजस वास्ते। ठीक है बेटा ये चीज़ का ध्यान रखना है जो आप जी ग्राफ बनावे इंसीडेंस मैट्रिक्स च एम वर्टेक्स वास्ते होएगा एन अपने को एजस होनगियाँ नंबर ऑफ एजस। क्लीयर। एम इज़ अ नंबर ऑफ वर्टेक्स दैन इंसीडेंस मैट्रिक्स ऑफ ग्राफ इज एम इंटू एन मैट्रिक्स होएगा किस तरह की होएगी ए आई जे की वैल्यू वन होएगी इफ जे एथ एज ई जे इज इंसीडेंट ऑन द आई एथ वर्टेक्स बी आई अदरवाइज यदि वैल्यू जीरो। यदा मतलब की है जे एज तो वर्टेक्स के विचकार अपने को मतलब बनी हुई है उस वर्टेक्स तो ता अपने को वैल्यू वन लिखा अदरवाइज जीरो। इन आप डायग्राम तो समझते हैं डायग्राम किस तरह बनो दिती होगी तो इंसीडेंस मैट्रिक्स बनानी है पहला तुसी लिख लो नंबर ऑफ वर्टेक्स किन्ने है नंबर ऑफ वर्टेक्स फाइव अपने को उस बाद नंबर ऑफ एजस आह दी हुई है सैवन है तो सैवन अपने नंबर ऑफ एज वर्टेक्स तुसी वर्टिकली लेने हैं
एडजस्ट तुसी होरीजेंटल लेने हैं, उस तो बाद तुसी जस्ट करना गया, चेक करना गया ए तो केड़िया जेड़िया एडजस्ट आ रही है गियां उन्हां दी वैल्यू वन, जिवें ए दा एक्स वन नाल वन, ए दा एक्स टू नाल वन, बाकी होर किसी नाल नहीं हैगा, वैल्यू जीरो है जी। क्लीयर आ वेखो इस तरह। उस बी तो चैक किया, बी तो देखो किड़िया कि एडजस्ट है एक्स वन एक्स थ्री एक्स फोर, इन्हों के नाल वैल्यू की आ जाएगी एक्स वन एक्स थ्री एक्स फोर नाल वैल्यू वन, बाकी किसी नाल नहीं जीरो, बहुत ईजी है डायग्राम। सी नाल तुसी देखो किन्ने एडजस्ट है एक्स सिक्स फाइव एक्स फोर, ठीक है तो फोर फाइव सिक्स नाल आपने वन वन लगा दिता, बाकी सब दे नाल जीरो। इस तरह तुहाडे कोल कि आह इंसीडेंस मैट्रिक्स बन जाएगी। ये एग्जाम्पल्स बेटा तुसी देख लियो, बहुत ईजी एग्जाम्पल्स है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन क्लीयर फ्रॉम मी। सैवंथ बी एक्सरसाइज अपनी ये कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू बेटा।